नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के बज चुके हैं 7:30, और आज जो हम सोए ना, आज इस तरीके से सोए थे, जो बाहर का तखत था वो भी हमने अंदर डाल दिया था यार, ना गर्मी कि का गर्मी हो प्रकोप रही बढ़ थी, गया। 2 दिन से गर्मी हो रही, बारिश जब से बंद हुई ना, तो फिर हम एसी में लेटे। तो एसी में लेटने का मतलब था कि हमें अरेंज करना था, तो यहाँ सोफे नहीं, पे। आज क्या करेंगे, ये सोफे उधर करके वो बेड इधर डाल देंगे। बच्चे परेशान हो रहे हैं रात बहुत सोफे अरे पे। नहीं, परेशान परेशान हुई हो नहीं तो नहीं हाँ, आराम और से लेटनी, कोई मैं दिक्कत पीयू और कृष्णा तीनों इस पर लेटे। एक की लात मेरे मुंह पर पड़ी, तरफ करा तो इंगा तब पीयू ना धरनी शुरू करती। बहुत तंग रही मैं, इसने लात मारी थी क्या तेरे मुंह पे? अरे लात नहीं हो तो घुसा जा मेरे में ही, ऐसा तो मेरे पास पड़ता इसका पता कितना और खतरनाक ये से देखो जी, कृष्णा रात फिर दूध नजर आ कृष्णा रहे का तो थोड़ा सा दूध वाला मूड मूड चाहिए सा था, खराब हो रहा है ना इसे कोई बात बिस्किट नहीं, चाहिए। बिस्किट चाहिए। बिस्किट लेने गई हुई सुबह सुबह आज पीऊ, और यहाँ आज पे हैप्पी दशहरा। इशू ने कर लिया है ब्रश, क्योंकि इसे बिस्किट खाने हैं। और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो दशहरा का है, तो आज के दिन नोट पे रखे जा, रावण का दहन होता है, नवरात्रि वो सबसे 9 दिन जरूरी है रखे उस रावण जाएंगे। को जलाने से अपने अंदर के रावण को जलाओ। हमारे अंदर रावण नहीं है, और रावण भी ना वो कि ये बहुत वो था ये रावण में बहुत गुण एक ही तो चीज गलत करी उसने, बस सीता को ले गया वो, थे। बाकी तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ, उससे बड़ा शिव जी का भगत कोई तो नहीं जी हुआ, पंडित थे कतई। तो मैंने आज संकल्प लिया, मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ नाश्ता। दड़ नाश्ते में बना रहा हूँ एक ही चीज गुड है, आलू के पराठे। हर गुड न्यूज। कौन सा संकल्प? दड़नी दड़नी दृढ़ संकल्प। हार्ड डिसीजन ले लिया। और यहाँ पे ये देखियो, इशू उठी है बेचारी अभी। इशू कैसी नींद आई रात? पता ही नहीं लगा उसकी तो दाग मस्त सोफे के नीचे थी। मस्त था, यहाँ पड़ी थी। नाश्ते की तैयारी, पंखा आया हुआ ऊपर लगवाता हूँ कोई यार। लगवा दो, एसी बंद हो गया तो कम से कम कृष्णा चल क्या रहा है। खाएगा? किचू क्या खाएगा? मूड खराब हो रहा। तो जी देखिए, साफ सफाई करके नहा धो के हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। और माता रानी तो कल चली ही गई थी, विसर्जन कर दिया था उनका। और आज अभी तक उनका दरबार जो है झुका तो लगा हुआ है, इसी में ही हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कान्हा जी हर भी नहा लिए हैं। और हमारे यहाँ पे जो आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है, जो ये जौ होते हैं जो उगाए जाते हैं, इनको हमारे यहाँ नोरते कहा जाता है। और आज दशहरे के दिन हमारे यहाँ नोरते रखे जाते हैं, भाइयों के कानों पे तिलक लगा, मतलब भाइयों को तिलक लगा के उनके कानों पे जो है ये जो जौ बोए जाते हैं, इनको नोरते कहा जाता है हमारी तरफ, तो वो रखे जाते हैं। और सेम जैसे भैया दो जो रक्षाबंधन होती है, वैसे ही इसका भी हमारे यहाँ इतना ही महत्व है, रक्षाबंधन और भैया दो जितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है चारों बेटियों को मैं बोल रही हूँ कि वो जो कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी हैं उनको लगा दे, क्योंकि सबसे पहले हम जितने भी काम होते हैं हमारे, रक्षाबंधन भैया दो जो कुछ भी हो, तो सबसे पहले उन्हें ही हम लोग तिलक करते हैं। और कृष्णा के होने से पहले शायद मैंने आप लोगों को बताया था, जो छोटे वाले कान्हा जी हैं यानी कि लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्णा के होने से पहले वो ही थे जिनको कि बच्चे तिलक किया करते थे। जब हमने उनकी सेवा करनी शुरू करी, जिस महीने हम उनको लेके आए थे उसी महीने फिर जो है कृष्णा था, और उसके बाद ही मतलब हमारे यहाँ पे कृष्णा आया। तो हमें तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए हम उन लोग उनको इतना मानते करते भी हैं। तो हमें तो पूरा लगता है कि जो कृष्णा है हमारा वो बिल्कुल उन्हीं की ही छवि है और उन्हीं की कृपा से आया हुआ है, जो इसकी शैतानियाँ है वो भी। तो जी देखिए, लड्डू गोपाल और कान्हा जी की को तिलक करने के बाद यहाँ चारों बहनें अपने भाई को लगी हुई हैं। और ये देखिए नटखट इनके पैर छू रहा है, और एटीट्यूड देखिए इसका कि ये इनको गिफ्ट के तौर में बुक्स दे रहा है, और उनको मतलब इस तरीके से दे रहा है कि लो ले लो अपना। तो देखिए बस यहाँ पे ये पैर भी छू रहा है अपनी बहनों के, और उनके मतलब उनका जो है गिफ्ट भी दे रहा है। और हम भी कोशिश करते हैं कि वो कम से कम ये चीज़ें सीखे, अपनी बहनों की रेस्पेक्ट करेगा, अपने घर से इज्जत करनी शुरू करेगा, तभी वो बाहर किसी की कर पाएगा।
तो देखिए जी, बस यहाँ पे उसके बाद ये है, अपने चाचू को भी कर रही है, अपने डैडी को भी, बच्चे। और आपने देखा भी होगा कि रक्षाबंधन के टाइम पे भी हम ऐसे ही करते हैं लड़कियाँ हमारी सारी। भैया दूज वाले दिन तो नहीं करती, लेकिन ये त्यौहार करती हैं, क्योंकि इनकी कोई बुआ नहीं है, इनके डैडी की कोई बहन नहीं है, तो बस यही तिलक कर लेती है इनको। और कन्हैया अभी नहीं आया था, वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने कर लिए हैं अपने जो है इनके रीति रिवाज से है, वो इन्होंने निपटा लिए हैं। तो जी, हम लोगों ने कर लिया है तिलक, हम लोगों ने क्या, लड़कियों ने, चारों ने, बेटियों ने कर लिया अपने चाचू के और अपने भाई के। कन्हैया जो है अभी तक वो नहाया धोया नहीं है, तो उसे फ़ोन करा था, वो थोड़ी देर में आएगा। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, तब तक और ये देख लो, ये त्रिशूल बना इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, और सही में बहुत अच्छा लगे जब बच्चे इस तरीके से खेल रहे हैं और हंसे, ऐसे ही पता लगे कि हाँ त्यौहार मन रहा या नहीं मन रहा। तो जी बस अब मतलब आलू के पराठों की तैयारी हो रखी है, बस मैं फटाफट से पराठे बना दूंगी और बच्चे खाना शुरू करेंगे। तो जी चलिए अब चलते हैं किचन में। तो जी देखिए, अभी यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं, पराठे बनाने लगी हूँ। पहले ही तैयारी कर ली थी, आलू वगैरह उबाल लिए थे, आलू उबल जाते हैं, आटा बन जाता है, उसके बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं पराठे बना दे रही हूँ, और जो गुड्डू है वो सबको दे देगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और सच में दशहरा जो है, अगर सीखने के लिए सीखे तो हर चीज़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और अगर ना सीखे तो चाहे जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। तो दशहरे का जो दिन है, मतलब बहुत खास माना जाता है हमारे इधर यूपी वाली साइड में। रामायण, मतलब रामलीला होती है, 9 दिन तक रामलीला चलती है। उसके बाद 10वें दिन रावण का जो वध होता है, रावण दहन होता है, वो होता है। तो यहाँ तो मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं सही में बताऊँ पिंजौर में, मतलब शादी के बाद ही मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा कि मैंने कभी रावण दहन देखा हो यहाँ पर या कुछ भी। लेकिन इस बार हमारा मन है कि हम लोग जाएंगे देखने के लिए। तो जी देखिए, बस यहाँ पे अब सब नाश्ता कर रहे हैं, और कन्हैया भी आ गया है, अब सब नाश्ता कर लेंगे, और उसके बाद जो कन्हैया को भी ये बेटियाँ मेरी सारी की सारी तिलक कर देंगी। तो जी देखिए, अब यहाँ पे जो है सारा नाश्ता पानी कर लिया है, और उसके बाद मैं अपने किचन के काम निपटाने लगी हूँ, बर्तन वगैरह मांज दूंगी। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं जब इतने सारे लोग होते हैं घर में। और उसके बाद बस देखिए, बस मांज दूंगी, बस मतलब ज़्यादा ही क्या, छोटे छोटे से करके जब सारे ही लोग एक जगह होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा होता ही है। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं सारे बर्तन साफ करके अपना किचन साफ कर दूंगी, और उसके बाद हम जो लोग हैं तैयार होके जाएंगे रावण दहन देखने के लिए। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, और अब हम लोग जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। हम आए हैं इधर सारे के सारे, बच्चे भी आ गए हैं, हम भी देखा आपने रावण अच्छा फोन में देखा है। फोन में तो बेटे अलग दिखाते हैं, वैसे अलग दिखता है ऐसे। हाँ ऐसे रखता है ना वो हाथ करके। कोई नहीं, अब जाके देखेंगे। तो जी कोई नहीं, रख लो। मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, इतने सालों में आज तक इन्होंने मुझे कभी रावण नहीं दिखाया यहाँ का। आज मैं पहली बार यहाँ पे पिंजौर में रावण देखने जाऊंगी, जलेगा कैसे। तो जी चलिए, बस सारे हो चुके हैं तैयार, और वो देख लो उधर तैयार, तो एक बार हो रहे जानो रावण देखन जा रहे हो, करना जा रहे हो। रावण जलाने जाना। हाँ वैसे भी काला काला धुआं ही चढ़ेगा मुंह पे। एक्चुअल में क्या है ना, मैं बाहर ना, मुझे थोड़ा सा डैडी को बस एक शब्द आता है, एक्चुअल वो भी गलत बोल रहा है। चलिए जी, बस फिर इनका श्रृंगार सा हो जाए थोड़ा सा, फिर चल रहे हैं हम लोग।
तो जी देखिए हम लोग आ गए हैं रावण दहन देखने के लिए, और ये HMT पड़ता है पिंजौर से पीछे हटके, 2-3 किलोमीटर पीछे हटके पड़ता है। और मैं सही में बताऊं, मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार देखा है, और मैंने बहुत छोटी सी जब मैंने रावण दहन देखा था। तो देखिए बस यहाँ पे ये रावण जी और राम जी के बीच में लड़ाई हो रही है आते जाते। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब जो है ये रावण जी हर है तैयार चलने के लिए, और यहाँ पे ये काफ़ी देर तक ये घूमते फिरते रहे, और हमें तो पता नहीं था, क्योंकि जैसा कि बताया मैंने और बच्चों ने भी पहली ही बार देखा है यहाँ पे आके ये जो रावण दहन होता है, और अच्छा लग रहा था देख के। रामलीला तो कभी नहीं देखी हमने, पर अच्छी होती होगी जो लोग देखते होंगे, भाई मेहनत करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। तो देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे भीड़ थी, और जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो है राम जी और रावण जी की हो रही है लड़ाई, और इसके बाद रावण का वध होने के बाद जो राम जी है वो रावण दहन करेंगे, और यहाँ पे पुतले खड़े हैं तैयार। रावण मर गया देख उनके, फिर मैं मर ही गया। वो गिरा, वो जलाया।
अब उसकी मुंह जलेगी। चलो चलो।